बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं सैयद मोहम्मद गवास बुखारी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं जिक्र और अस्कार और वदाइफ जो हमारे बुजुर्गान दीन से जो चले आ रहे हैं वो मैं देता रहता हूँ। किसी की बीमारी हो या कोई तकलीफ हो तो वो अगर ये करें जो अमल, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो छुटकारा दे देगा, उसको बीमारी से जो है वो शफा दे देगा। कोई तकलीफ है या कोई भी गम है तो अल्लाह उसको दूर फरमा देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शिजरा चल रहा है तो सदात करम का, तो ये सीने बाय सीने और हाथ से लिखे हुए जो है ये कलमी नुस्खा जो है ये हमारे तक पहुंचा है सदात कराने से। तो इसलिए जो है वो एक दफा फिर आपके सामने एक बहुत ही खास और मुजरिब जो है वो एक लेकर आया हूं दुश्मन से रिहाई के लिए। अगर कोई बंदा कैद हो गया है या दुश्मन ने उसको कैद कर दिया है या कोई कैद में है, तो अगर वो ये बंदा ये जिक्र करे जिस तरह मैं बताऊंगा, जिस तरह यहां लिखा हुआ है, तो जब मैं बताऊंगा तो वो मैं उनको कह दूंगा कि ये लिख ये ऊपर तस्वीर भी लिख दें, बना दें उसकी जो है वो, ताकि समझ आ जाए कि कैसे पढ़ना है। अगर कोई बंदा किसी की कैद में है तो ये कलाम पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर कर्म कर देगा। पारा नंबर 4 रकू नंबर 9 आयत नंबर 174 जो आप ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो कर्म कर देगा। पढ़ना कैसे है, पढ़ना ऐसे है कि दिन में आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। छोटा सा हर बंदे को जो है ये आता है, हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील नियमल मौला व नियमल नसीर, हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील नियमल मौला व नियमल नसीर, या पढ़ेंगे 1000 मरतबा दिन में। कोई भी किसी की कैद में है या कोई झूठे मुकदमा कर दिया है और कोई दुश्मन की कैद में आ गया है, अगर वो बंदा ये पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका ऐसा करम होगा इंशाअल्लाह, हसनैन करीमैन की शान का सदका, तो उसकी जो है रिहाई और उसकी जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। फिर बता रहा हूँ 1000 मरतबा दिन में पढ़ना है आपने, ये 1000 मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हो सके तो अव्वल आखिर जो है वो 11 बार दुरुशरी भी पढ़ ले तो वो ही आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी जो भी तकलीफ है, अगर कैद में है या कोई भी परेशानी है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर किसी ने झूठा मुकदमा कैद में आ गए आप, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पे करम करेगा और आप बाहर आ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पे और मुझ पे दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो हमें अपनी रहमत में रखे और हम पे करम करे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका आपकी शफात हमें नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।